मोदी जी, इसीलिए मैं टोकरी निर्माण का काम तुम्हारे साथ करना ही नहीं चाहता था। अब देखो मेरी टोकरी बिल्कुल बनके तैयार होने वाली है, अभी तुमसे एक टोकरी बनके तैयार नहीं हुई है। राहुल एक बात बताओ, तुम तो टोकरी के अंदर बैठ के टोकरी का निर्माण करती हो, जबकि मैं कोई टोकरी के अंदर थोड़ी बैठता हूँ, टोकरी को बाहर से ही बनाता हूँ अच्छी तरीके से लकड़ी से, और मेरी टोकरी मजबूत भी होती है। तुम तो टोकरी के अंदर बैठे बैठे टोकरी को बनाते हो, आधी टोकरी तो तुम तोड़ देते हो। अरे राहुल योगी जी चले आ रहे, ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं टोकरी के, शहर से ये चले आ रहे हैं लगता है। मोदी जी, राहुल जी नमस्कार। नमस्कार योगी जी, नमस्कार बोलिए। इस बार कितनी टोकरी ले जाओगे हमारे गांव से अपने शहर में? मोदी जी इस बार बहुत ज्यादा टोकरी की जरूरत है, शहर में टोकरी की बिक्री बढ़ती जा रही है, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि शहर में मेरा टोकरी का बिजनेस बहुत बड़ा है, और जब भी मुझे टोकरी खरीदने की जरूरत पड़ती है मैं आप ही के पास चला आता हूँ, क्योंकि आपकी टोकरी बनी हुई बहुत अच्छी होती है। खासकर राहुल जी आप टोकरी बहुत अच्छी बनाते हो, टोकरी के अंदर बैठ के बड़ा मजबूत टोकरी बनाते हो। तो योगी जी क्या मैं टोकरी गलत बनाता हूँ? ये एक बात बताओ, क्या गलत बनाता हूँ? अगर मैं गलत टोकरी बनाता हूँ तो हमारे पास टोकरी लेने के लिए आते ही क्यों हो तुम? अरे मोदी जी आप तो भड़क गए। मोदी जी आप और राहुल जी आप मिलके ही तो पार्टनरशिप में ही तो टोकरी बनाते हो, और मैं आप ही के पास टोकरी खरीदने के लिए आता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि राहुल जी की बनी हुई टोकरी थोड़ी अच्छी होती है। योगी जी आप साफ साफ को ना कहो कि मेरी टोकरी बनी हुई थोड़ी बेकार होती है राहुल के मुकाबले। मोदी जी अगर आप समझ गए तो समझ जाओ, कहने का तो मेरा यही मतलब है। मोदी जी देख लिया आपने, योगी जी मेरी बनाई हुई टोकरी की तारीफ ही कर रहे हैं। चलो योगी जी वो बातें तो छोड़ो, एक बात बताओ कितनी टोकरी की जरूरत है आपको? फिलहाल मोदी जी योगी जी 50 टोकरी बना के तैयार कर दो, 50 टोकरी मैं आज ले जाऊंगा। लेकिन योगी जी आपको एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, पिछली बार आप हमसे टोकरी सस्ती ले गए थे, इस बार टोकरी का दाम बढ़ गया है, पिछले रेट में टोकरी नहीं मिलेगी। मोदी जी पिछली बार आपने 100 रुपए की एक टोकरी लगा के दी थी, इस बार क्या रेट होगा? योगी जी इस बार हम 200 रुपए की एक टोकरी बेच रहे हैं। अरे मोदी जी आपने तो टोकरी का दाम बिल्कुल डबल कर दिया। क्या बताऊँ आपके अलावा मैं किसी से टोकरी खरीदता ही नहीं हूँ, दे दो टोकरी। रोको भाई रोको रोको, मोदी जी रोको, अपनी बैलगाड़ी रोको, थोड़ी बात करनी है, रोको। अरे रोक ली अखिलेश, रोक ली। बोलो क्या बात करनी है, अपनी बात तो बताओ। तुम तो बेवजह ऐसी रोकते फिरते हो बैलगाड़ी को, ना खुद काम करते हो ना करने देते हो, समझे? तुम्हारे बैल कहाँ गए बैल? अरे मोदी जी तुम जानते ही थे मेरे पास एक जोड़ी बैल थे, और बहुत पुराने बैल थे, बहुत ही टाइम से थे, लेकिन एक बैल कुछ दिन पहले मेरे घर से भाग गया, वो आज तक वापस नहीं आया है। मुझे एक बैल खरीदना है, तुम अपना एक बैल मुझे बेच दो, मेरे पास जोड़ी हो जाएगी, मुझे खेत जोतने को पड़ा है। अरे ये बताओ अखिलेश, अगर मोदी जी अपना बैल तुम्हें बेच देंगे, वो भी एक, तो वो क्या करेंगे? वो चारे का काम करते हैं, चारा काट के लाते हैं और लोगों में बेचते हैं, वो अपना काम कैसे करेंगे चारे का? ये बताओ बैलगाड़ी कैसे चलाएंगे? अरे योगी जी मैं मोदी जी से एक ही बैल तो मांग रहा हूँ, इनके पास 3 बैल हैं, एक एक्स्ट्रा बैल है, तभी तो मांग रहा हूँ। ये मुझे बेच दें, ये अपना राइट बोले, अभी मैं खरीद लूंगा इनका बैल, इनके पास तो जोड़ी फिर भी रह जाएगी अगर एक बैल बेच देंगे ये। हाँ अखिलेश चलो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, एक बैल तुम्हारा भी काम चल जाएगा, बोलो क्या रेट दोगे मेरे एक बैल का? अरे मोदी जी तुम्हारा बैल है, तुम अपने आप रेट बताओ, समझे? अपनी चीज का अपने आप रेट बताओ। चलो ठीक है 30,000 रुपए दे देना मेरे बैल के, और अगर लेना चाहो तो हाँ ना में जवाब दे दो। अरे कोई बात नहीं मोदी जी, बैल मेरा हुआ, मैं तो ज्यादा सोच रहा था, मैं सोच रहा था तुम 35,000 रुपए मांगोगे, बहुत अच्छे रेट मांग लिए तुमने। लाओ मैं 35,000 रुपए घर जाके देता हूँ, और मुझे बैल दे देना। मोदी जी तुमने बैल तो बेच दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बैल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम अखिलेश को बैल नहीं बेचते, किसी को भी बेच देते। चलो कोई बात नहीं, जब बेच दिया तो बेच दिया। अरे राहुल तेजी से आज चलाओ, कैसे हल्के हल्के आरे को चला रहे हो, आरे को तेजी से खींचो, लकड़ी को सही तरीके से तुम काट ही नहीं पा रहे हो। देख रहे हो कितने लोग काम करवाने के लिए बैठे पड़े हैं। अरे अपना लोग ही अमित शाह जी का काम कर रहे हैं, और ये देखो कितने लोग, योगी जी, लालू जी, केजरीवाल, अखिलेश, सब लोग बैठे हुए हैं काम करवाने के लिए। अब एक काम फाइनल हो तो दूसरे का काम शुरू करें अपना। अरे बा मोदी जी आप नीचे खड़े खड़े बातें करना जानते हैं, जरा ऊपर आकर इस आरे को चलाओ तो पता चले। नीचे खड़े खड़े आरे को चला रहे हो, नीचे खड़े होकर आरा चलाने में तो जरा सी मेहनत लगती है, मुझे आपने ऊपर चढ़ा दिया है। यहाँ पर आरा चलाने में कितनी मेहनत लग रही है, आप ऊपर आके आरा चलाओगे तो पता चलेगा। अरे आपके साथ तो काम करके मैं बिल्कुल फंस गया, कारपेंटर का काम करना ही बंद करूंगा अब मैं। इस आरे से लकड़ी को काटने में बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई राहुल मोदी जी
ये आपस में ही बातें करते रहोगे या हमारी भी सुनोगे? मैं अपनी लकड़ी की एक कुर्सी बनाने के लिए दे गया था, क्या हुआ लकड़ी की कुर्सी बनकर तैयार हुई? और मैं आपको लकड़ी भी दे गया था कुर्सी बनाने के लिए। अरे योगी जी, कौन सी लकड़ी आप हमें दे गए थे? ऐसी तो कोई लकड़ी नहीं दे गए थे आप कुर्सी बनाने के लिए, कब दे गए थे? राहुल तुम्हें याद आ रहा है ये योगी जी कुर्सी बनाने के लिए क्या लकड़ी दे गए थे अपने पास? अरे मोदी जी भूल गए क्या, ये योगी जी दे नहीं गए थे लकड़ी। एक बार अपनों को खिचड़ी बनाना थी और गैस खत्म हो गई थी, तो अपनों ने चूल्हे में इन्हीं की लकड़ी जलाकर खिचड़ी को बनाया था। अरे सही कह रहे हो राहुल, खिचड़ी तो बहुत मजेदार थी जो इनकी लकड़ी को जलाकर बनाई थी, लेकिन अब ये कुर्सी बनाने के लिए वो लकड़ी दे गए थे, अब इन्हें कुर्सी कहाँ से दी जाएंगी? अरे मोदी जी, ये अमित शाह जी की जो लकड़ी काट रहे हैं अपना, इसी में से थोड़ी लकड़ी बचाकर इनकी कुर्सी बना देंगे। कौन सा अमित शाह जी को पता चलेगा थोड़ी सी लकड़ी कम हो जाएगी? अरे मोदी जी, मैं अपनी लकड़ी की खटिया बनने के लिए दे गया था, लकड़ी की खाट बनकर तैयार हो गई, दे दो मुझे। लालू जी, आपकी लकड़ी की खाट बनाई तो थी हमने, एक महीना पहले आप लकड़ी की खाट बनने के लिए दे गए थे, तभी हमने बनाकर रख दी थी, आज आ रहे हो एक महीना बाद, आप इतने दिन आप आए नहीं, हमने उस लकड़ी की घाट को बेच दिया। अरे केजरीवाल जी, आप कैसे आए बताइए? अरे केजरीवाल जी तो बात को बताएंगे वो कैसे आए, पहले ये बताओ मेरी लकड़ी की घाट को आपने किसके हाथ बेच दिया? अरे लालू जी, आपकी लकड़ी की घाट मैं ही खरीद के ले गया था मोदी जी से, अब लकड़ी की खाट टूट गई, इसीलिए मैं आया हूँ मोदी जी के पास। मोदी जी आपने कहा था लकड़ी की खाट बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये टूट गई, अब लकड़ी की खाट वापस करो, मैं नहीं खरीदूंगा आपकी लकड़ी की खाट। और हम कैसे हल्के हल्के चल रहे हो, तेजी से चलो, तेजी से, अरे तेजी से चलो। सोनिया जी, मायावती बहन जी, आप भी तेजी से चलो, हल्के हल्के चल रहे हो तुम, इस तरीके से तो पूरे दिन में भी खेत की जुताई नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी एक बात बताओ, अभी जब आप इसे हल्को खींच रहे थे और मैं पीछे चल रहा था, तो आप तो इतनी तेजी से हल्को नहीं खींच रहे थे, और अब मैं जब आगे आके हल्को खींचने लगा तो तुम ये कह रहे हो कि तेजी से खींचो हल्को, तेजी से खींचो। अरे मोदी जी, मैं तो आपसे पार्टनरशिप में खेती करके फंस गया, आप मेहनत भी ज्यादा नहीं करती हो। राहुल, अगर इस खेती बाड़ी में मेरा पैसा नहीं लग गया होता, बीज में खरीद कर नहीं ले आया होता, तो मैं अभी तुमसे पार्टनरशिप अलग कर लेता। अरे ये तो तुम्हें मालूम ही है कि अपना लोग पार्टनरशिप में खेती कर रहे हैं, कभी हल को मैं चलाता हूँ, कभी तुम चलाती हो, कभी सोनिया जी हल को चलाती हैं, कभी मायावती बहन जी चलाती हैं, सबका टाइम बटा हुआ है एक एक घंटे का, तो इसमें कम ज्यादा मेहनत का क्या सवाल है? अरे मेरे बेटे, ऐसे मत चीखा कर राहुल, तू ऐसे मत चीखा कर, पार्टनरशिप में थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़ती है। जब अपना लोगों ने पार्टनरशिप में मोदी जी से खेती बाड़ी शुरू कर दी है तो पूरी फसल हो जाने दे, उसके बाद चाहे पार्टनरशिप अलग कर लेना, ये फसल तो पूरी हो जाए आलू की खेती। अरे योगी जी आ गए, योगी जी क्या बात है? अरे रुक जाओ मोदी जी, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अरे मैंने सुना है आप चारों लोग पार्टनरशिप में आलू की खेती कर रहे हैं, मुझे भी इस पार्टनरशिप में लगा लो, पांच लोग हो जाएंगे अपना लोग। अरे भाई योगी जी, आधा काम तो हम कर चुके, आधी खेत की जुताई कर चुके, एक बीघा खेत में हमने आलू लगा भी दिया, अब बीच में आके तुम कह रहे हो कि इस खेती की पार्टनरशिप में शामिल कर लो, तुम तो पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहती हूँ। अरे मोदी जी, ये खिचड़ी बीच में कहाँ ले आए, आलू की खेती की बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप में करने की। अरे योगी जी आप भी समझते नहीं हो, मोदी जी कहावत कह रहे हैं कि आधा काम हम लोग कर चुके, अब तुम बीच में आकर पार्टनरशिप में शामिल होना चाहते हो तो कैसे हो जाओगे, आधी से ज्यादा मेहनत तो हमने कर ली। सुन लिया योगी जी तुमने जवाब, तुम्हें कोई भी अब पार्टनरशिप में नहीं लगाएगा, अगर हाँ तुम्हें पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना ही थी तो शुरू में ही हमारे साथ शामिल हो जाते, तो चार की जगह पांच लोग हो जाते खेती बाड़ी में, सब पर मेहनत भी कम कम पड़ती। अब योगी जी आप अपने घर जाओ, हमें बातों में मत लगाओ, हमें पूरा दिन में ये तीन बीघा खेत की जुताई करना है, कल को इस खेत में आलू की बुवाई करना है। अरे मोदी जी कोई खाने का इंतजाम करो, आज दो दिन हो गए खाना नहीं खाया और आज पांच दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ, छह दिन से अपना इस झोपड़ी पे फंसे हुए है, पूरी की पूरी झोपड़ी फंस गई, इस बाढ़ ने तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया है, पता नहीं कब घटेगा पानी, बाढ़ का पानी घट ही नहीं रहा, क्या करा जाए समझ में नहीं आता है। योगी जी कुछ खाने का इंतजाम करो। अरे मोदी जी मैं कहां से खाने का इंतजाम करूं, मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, यहां पे उतरते ही ठोर हाथी डुबाओ पानी है, इतना पानी है कि आदमी तुरंत डूब जाएगा और मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता है, खाने का इंतजाम कहां से करूं? ऐसा करो अखिलेश को तैरना आता है और वो देखो दूर थोड़ी सी दूरी पर एक आम का पेड़ है, ये ताजे ताजे आम तोड़ के ले आएगा, इसे भेज दो ये ले आएगा आम तोड़ के और अपनों का पेट भर जाएगा। अरे योगी जी मैं क्यों जाऊं वहां आम तोड़ने के लिए, क्या मरवाने को फिर रहे हो? अरे वो पेड़ कम से कम 200 मीटर की दूरी पे है और मेरी तैरने की क्षमता सिर्फ 100 मीटर है, मैं नहीं जाऊंगा आम लेने के लिए,
कुछ भी करो ऐसा है हल्के हल्के पानी घटना चालू हो गया है। अब पानी घटने लगा, थोड़े दिन में पानी घट जाएगा, एक दो दिन में। और मोदी जी तुम क्या कह रहे थे, तुम 7 दिन से नहीं नहाए हो, 6 दिन से नहीं नहाए हो? अरे पास में तो पानी है, इसमें गोता मारो, नहा लो। अरे कैसी मजाक करते हो अखिलेश, इसमें गोता मारूंगा तो अंदर ही चला जाऊंगा। अभी योगी जी ने बताया नहीं, हाथी डुबाओ पानी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये मैंने झोपड़ी बहुत ऊंची करके बनाई थी, जो झोपड़ी पे अपना इतने दिन टिक गए। अब पानी घटना चालू हो गया है, 2-3 दिन में घट जाएगा, लेकिन 2-3 दिन तक पेट तो भरना ही है, कैसे भरा जाए? सही से धक्का दो, ये ठेला खींचे से नहीं खींच रहा है, लगता है ठेले में आज लड्डू तुमने ज्यादा भर दिए। लेकिन मोदी जी अभी मैं ठेला खींच रहा था तो आप पीछे से धक्का नहीं दे रहे थे इस ठेले में। लेकिन मोदी जी ऐसे कब तक अपना ठेले पर गांव-गांव जाकर लड्डू बेचते फिरेंगे? राहुल तुम्हें तो मालूम ही है अपना दोनों की पार्टनरशिप में मिठाई की दुकान है, और इस पूरे एरिए में अपनों से अच्छे लड्डू कोई नहीं बनाता है। लेकिन मोदी जी कोई बनाता नहीं है अपना, एक जगह दुकान पर रखकर ही इन लड्डू को क्यों नहीं बेचते हैं? राहुल अगर अपना लोग दुकान में अपने गांव में इन लड्डू को लेकर बैठोगे तो सिर्फ गाँव के ही लोग इस लड्डू को खरीदेंगे, लेकिन जब अपना लोग ठेले में भरकर इन लड्डू को बेचने के लिए निकलते हैं तो कई गाँव में बेचकर आते हैं। अरे वो देखो योगी जी आ गए ठेले पर जलेबी लेकर, इनकी जलेबी पूरे एरिए में मशहूर है, बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं ये, जैसे अपना लोग लड्डू बनाते हैं। अरे मोदी जी ये ठेले में लड्डू लेकर बेचने के लिए कहाँ जा रहे हो? योगी जी जिस तरफ से तुम ये जलेबी बेचकर आ रहे हो उसी तरफ हम ये लड्डू बेचने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी एक अच्छी सलाह देता हूँ, अगर मेरा कहना मानो, जिधर से मैं जलेबी बेचकर आ रहा हूँ उस तरफ लड्डू बेचने मत जाओ, कोई खरीदने वाला नहीं है। अरे मोदी जी इन योगी जी की बातों में मत आना, ये जिधर से जलेबी बेचकर आ रहे हैं इधर ही अपना लड्डू बेचने के लिए चल रहे हैं। सुबह सुबह देखा था मैंने, ये जलेबियों से भरकर पूरा ठेला ले गए थे, अब इनके ठेले में आधी भी जलेबी नहीं बची, सारी की सारी बेचा है और अपनों को लड्डू बेचने से मना कर रहे हैं। राहुल तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, तुम्हारे लड्डू उधर बिकेंगे नहीं जिधर से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उस गांव में कोई है ही नहीं, सब लोग कावड़ यात्रा पे गए हुए हैं। हाँ मोदी जी ये योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जिस गाँव से जलेबी बेचकर आ रहे हैं मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, इनकी वहां पर एक भी जलेबी नहीं बिकी क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग कांवड़ यात्रा पर गए हुए हैं, कोई है ही नहीं गांव में। लेकिन भाई साहब आप कांवड़ यात्रा पर क्यों नहीं गए, आप कैसे टहल नहीं हैं? अरे मोदी जी मैं इस साल कांवड़ यात्रा पे जा नहीं सका, अगली बार जरूर जाऊंगा। दो लड्डू कितने के दे रहे हो, 2 लड्डू दे दो। अखिलेश कभी कभी हमारी जलेबी भी खाकर देख लिया करो, कभी भी जलेबी मेरी नहीं लेते हो तुम, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। ये क्या बात हुई योगी जी, अखिलेश मुझसे लड्डू मांग रहा है तुम उसे जलेबी के लिए बोल रहे हो? राहुल ठेले को अपने गांव की तरफ मुड़ा लो, अखिलेश के गांव की तरफ तो जाना बेकार है क्योंकि इसके गांव में कोई है ही नहीं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।